आइए देखते हैं मजा आएगा। एक बार को कोरोना का इलाज है, लेकिन इनकी पार्टी ने जिसको टीका ठोक दिया ना अंधभक्ति का, उसका कोई इलाज नहीं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं के लिए बिल पास करा रहे हैं, जरा ये तो बताएं कि उनकी पार्टी का जो एमएलए देश की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा था, उसको कब फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। बात सही है। तो ये बाबा रामदेव जो इस महिलाओं की बात कर रहे, देखो अब आप देख लो भाजपा के समर्थक कार कितने बढ़िया हैं। ये वही बाबा रामदेव है जो कहता है कि महिलाएं इसको बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। ये सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं। ये मुझे बताओ कि ये जो कल तक, ये जो पहले कांग्रेस के अंदर था हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके ऊपर घोटाले का आरोप था, आज बीजेपी ज्वाइन कर गया तो सारे आरोप मुक्त हो गया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। प्रधानमंत्री को सुन लो तो रिपोर्टर कह रहा है प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं दुविधा में पड़ जाता हूँ कि ये देश का प्रधानमंत्री है किसी मिल में लगा हुआ है, या मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी पर लग रहे हैं। छुट्टी नहीं लिया है उन्होंने। रुको जरा, सबर करो। अगर एक भी छुट्टी नहीं लिया तो ये जो मिस्र गया घूमने, मस्जिद में चला गया, और बिन बुलाए जो केक काटने चला गया वहाँ पाकिस्तान में, और वहाँ बिरयानी भी खा ली, ये बिना छुट्टी लिए चले गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे मीडिया अगर कल को ये कहेगा ये जो गाय गोबर नहीं दे रही है, ये गाय अब सीधा च्यवनप्राश दे रही है, तो खा लेगा कोई उसे। नरेंद्र मोदी जी अगर नेता नहीं होते, अभिनेता होते, तो देश का बड़ा नाम रोशन करते, क्योंकि ये जिस तरीके की कलाकारी दिखाते हैं, एक मिनट में मुंह इधर से नीचे करके ऊपर क्या करा, ये तो रोना शुरू कर देते हैं। मुझे लग रहा है स्मृति ईरानी इनको पार्ट टाइम क्लासेस दे रही हैं। स्मृति ईरानी जी एक्टर रह चुकी हैं ना, तो मोदी जी को भी एक्टर बना रही हैं। खैर मोदी जी तो पहले से ही एक्टर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके हमें